for which slaves have been received at the table within the stipulated time, the rest will be treated as left. Item number 17. Dubey. मैं यहां से शुरू करता हूं। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। एक तारीख से ये स्टेट बैंक का बिल लगा हुआ है और आज 11 तारीख को शायद लगता है कि खत्म हो जाएगा। शायद पार्लियामेंट किस तरह से चल रहा है इसकी बानगी आप देखिए, और इसके दोषी कौन है ये जनता देख रही है। जिस तरह से उस दिन चूंकि मेरा भाषण अधूरा रह गया था, तो सिनेमा में होता है उपाध्यक्ष महोदय कि वो फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता है कि अपना भाषण रिकॉल करने के लिए मुझे फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक इसीलिए कि मैं उस दिन भाषण देते देते डिरेल हो गया था उपाध्यक्ष महोदय। तो डिरेलमेंट मेरी ये थी जो आज माननीय जोशी जी कह रहे थे कि अलौकिका पंडितता की तरह किस तरह से जो पंडित हैं माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, प्रणब बाबू जो वित्त मंत्री हैं, जो मनमोहन सिंह जी हैं, जो मोन्टेक सिंह जी हैं, जो सुब्बा राव जी हैं या जो रंगराजन जी हैं, वो किस तरह से किताब देखकर नीतियां बना रहे हैं और वो नीतियां किस तरह से देश को बर्बाद कर रही है। दूसरा बात ये था कि एक कहानी हम पढ़ते थे कि नवाब बाजिद अली शाह का जमाना था और लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था, और उसका पहचान ये है कि जब हम प्राइस राइज पर चर्चा कर रहे थे उपाध्यक्ष महोदय, तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि महंगाई का मतलब क्या है, चावल का भाव क्या है, आटा का भाव क्या है, दाल का भाव क्या है और फर्टिलाइजर का भाव क्या है। अभी एक रिपोर्ट आई कि इस देश में 82% जो किसान हैं वो मार्जिनल है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उपाध्यक्ष महोदय किसान के पास। इसका मतलब यह है कि वो जो पैदा करते हैं वो खरीद पाते हैं नहीं, वो बेच पाते हैं नहीं। और सरकार कह रही है कि हम 500 रुपए का चावल था और उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया। तो जिस तरह से ये पूरे लोकसभा में चर्चा होती है कि 10% व्हाइट कॉलर के लिए जो है आप इंडस्ट्रीज के लिए योजना बनाते हैं, आज मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि 10% जो किसान हैं आप उसी के लिए ये नियम बना रहे हैं। इसलिए गरीबी की और किसान की चर्चा करते हुए इन चीजों का ध्यान रखें और अगला बजट बनाते हुए देखें, क्योंकि 82% लोग जो है वो मार्जिनल फार्मर हैं जिनको 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, और 1 हेक्टेयर से कम यदि जमीन है तो वो 4 आदमी का परिवार क्या खाता होगा, क्या कमाता होगा, क्या बेचता होगा, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। फर्टिलाइजर की आज कॉस्ट क्या है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट यह है कि पिछले साल जो डीएपी 470 रुपए में मिल रही थी इस बार 770 रुपए में मिल रही है, और जो आप उस वक्त सब्सिडी पिछले साल 650 रुपया दे रहे थे इस साल 966 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी भी बढ़ रहा है, डीएपी का रेट भी बढ़ रहा है, आम किसान का क्या होगा इसके बारे में भी आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इस देश में कोर्ट अपनी सीमा को लांघ रहा है, जिस तरह से मीडिया अपनी सीमा को लांघ रहा है। एक फिल्म, माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी यहां बैठे हुए हैं और फिल्म का मुझे डायलॉग याद आता है, फिल्म की कहानी मुझे नहीं पता है कौन सा नाम है, कि कादर खां थे और कादर खां का नाम जो है दुभाषिया था, वो नेता थे और वो हमेशा सभापति महोदय 2 डिक्टेशन लिखवा के रखते थे कि यदि नेता बाढ़ में ट्रेन से जा रहा हो तो कह रहे हैं कि ये नेता जो है ट्रेन से जा रहा है जनता मर रही है, और यदि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से जाते थे तो कहते थे कि ये जनता जो है मर रही है और इसको कुछ नहीं है, ये हेलीकॉप्टर और इससे चल रहा है। तो इस तरह का जो सवाल हो गया है, इस तरह से जिस तरह से मनीष तिवारी जी उस दिन चर्चा कर रहे थे, हम जिस ढंग से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, वो हमें चैलेंज कर रहा है, हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। उस दिन जहां मेरा भाषण रुका था उसके आगे का मेरा पॉइंट है कि मैं एसबीआई का जो रिफॉर्म्स है, अमेंडमेंट है, उसका भारतीय जनता पार्टी इसका सपोर्ट करती है और वही सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ। मेरा 17वां क्वेश्चन था कि प्रिफरेंशियल शेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में सरकार का क्या रुख है। मेरा 18वां क्वेश्चन था कि जो पेंशन रूल्स एसबीआई ने अमेंड किए हैं ये कब तक लागू हो जाएंगे। मेरा 19वां सवाल था कि ये जो मर्जर हुआ है तो उसमें जो ब्रांचेज हैं, कई एक बैंकों के जो ब्रांचेज हैं वो एकदम नजदीक नजदीक में, तो ब्रांचेज का क्या करेंगे, क्या एक ही ब्रांच यदि अगल बगल रहेगा, चूंकि एक ही अथॉरिटी आप दे रहे हैं
तो उस ब्रांच को यदि बंद करेंगे तो किस तरह से लोग, अभी माननीय सभापति जी जो इंदौर से सांसद भी हैं वो बता रही थी कि बैंक ऑफ इंदौर को मर्ज करने के समय आपने एम्प्लाईज के साथ जो जो वादे किए थे जिस तरह से था उसमें लोगों की छटनी आपने की है, तो इस ब्रांचेज को यदि आप अलग मर्ज करेंगे तो उसका क्या होगा। मेरा 21वां सवाल था कि जो सब्सिडियरी बैंक का जो शेयर होल्डिंग है उसका स्टेट बैंक के ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो चेंज ऑफ ऑनरशिप है, द चेंज ऑफ ऑनरशिप वॉज डन इन द ईयर 2007 एंड द अमेंडमेंट्स टू द एक्ट ऑफ द सब्सिडियरी बैंक्स आर बीइंग कैरिड आउट आफ्टर 3 years टू मेक कंसिक्वेंशियल चेंजेस। इट मे बी एक्सप्लेन्ड ड्यूरिंग दिस 3 year पीरियड whether SBI had any administrative problems on the issue indicated in the background note in the management of their subsidiaries, koi background note management of subsidiaries ne diya hai, if not the reason to amend the act at this stage may be explained। And ant mein hai ki jo ye sare bank hote hain ki antim mein what is the policy of government on merger of banks। फाइनली कोई पॉलिसी तो होगी ना, क्योंकि आप बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ लेकर आ रहे हैं उसमें आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से जो अभी नया आप बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उससे आप सोचते हैं कि ये बैंकिंग का मर्जर जो है वो सीसीआई के परव्यू से ऊपर हो जाए बाहर हो जाए, तो आपके पास क्या ऐसा पॉलिसी है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आप इस रूल के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आ रहे हैं, क्योंकि जो एनपीए है ये एनपीए बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट जब आप बढ़ा रहे हैं आरबीआई का एक कहना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एनपीए होगा। उस दिन बड़ा अच्छा जवाब दे रहे थे यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि 44 बिलियन जो है यहां के इंडस्ट्रीज ने बाहर इन्वेस्ट किया है और 17 बिलियन यहां लोगों ने इन्वेस्ट किया है 17। और आपने कहा कि कोई चीज नहीं है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपने कभी यह सोचा कि ये जो इतना ग्रोथ हुआ है देश में वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी थी, एनडीए की पॉलिसी थी कि हम इंडस्ट्री के लिए जो है अपने लोन को धीरे धीरे नीचे लेकर आए थे, 7% 8% पर वो लोन मिल रहा था इंडस्ट्री को, आज वो इंटरेस्ट का रेट जो है फिर से 14-15% पर चला गया है। और इससे क्या हो रहा है कि एनपीए बढ़ रहा है, इससे क्या होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बंद हो रहा है। और आप किसके ऊपर जा रहे हैं कि जो एजुकेशन लोन है प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग है उसको बंद कर दो, आप कह रहे हैं हाउसिंग लोन को जो है उसको टाइट कर दो, तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो एनपीए बढ़ेगा इसके बारे में क्या गवर्नमेंट ने सोचा है कभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 200 साल पुराना संस्था है और आज का सिचुएशन ये है कि ये ब्रांच है स्टेट बैंक का। मैं स्टेट बैंक के ऊपर बात करना चाहता हूं और उसके रिस्क फैक्टर के ऊपर मैं दो चार लाइन बात करना चाहता हूं। 12,567 ब्रांच है, 150 इंटरनेशनल ब्रांच है और 155 मिलियन कस्टमर हैं इसके, 200 साल का बैंक। और इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, स्टेट बैंक में आप मर्ज कर रहे हैं, 2008-09 में हम दुनिया में जो है 55वें नंबर पर थे, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या पोजीशन है, इसके बारे में आपकी कोई क्लैरिटी हो तो वो आप सदन को बताएंगे तो बढ़िया होगा। रिस्क फैक्टर क्या है कि द बैंक्स बिजनेस इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल इन इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड वोलेटिलिटी इन इंटरेस्ट रेट्स कुड एडवर्सली अफेक्ट इट्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन, द वैल्यू ऑफ इट्स फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो, इट्स इनकम फ्रॉम ट्रेजरी ऑपरेशन एंड इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, व्हाट विल हैपन टू दिस। दूसरा है कि इफ द बैंक फेल्स टू मेंटेन डिजायर्ड लेवल ऑफ कस्टमर डिपॉजिट और लोन्स इट्स बिजनेस ऑपरेशन में बी मेटरली एंड एडवर्सली अफेक्टेड, क्या करेंगे इसका, कस्टमर यदि आपका कम हो जाएगा इसके बारे में आप क्या करेंगे। द बैंक हैज ए लार्ज पोर्टफोलियो ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज का जो है लार्ज पोर्टफोलियो 55% जो है सिक्योरिटीज का जो पोर्टफोलियो है वो आपका सरकार का है, एंड दैट में लिमिट इट्स एबिलिटी टू डिप्लॉय फंड्स इनटू हायर यील्डिंग इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा, ये आपको रोक रहा है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका क्या सोचना है। द बेस रेट सिस्टम इज न्यू मेथड फॉर प्राइसिंग लोन्स, बेस रेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर रिजल्ट ऑफ द बैंक इज अनक्लियर, क्या इसके बारे में बेस रेट के बारे में स्टेट बैंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये सोचा है आपने।
A substantial portion of the bank's income is derived from its government operation. A slowdown in which could adversely affect the bank's business. क्योंकि अभी जो माननीय जोशी जी बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन होगा तो जब एसबीआई के ऊपर होगा और इसके बाद ये मर्जर कर रहे हैं क्योंकि एनपीए इसका बहुत ज्यादा है तो इसके बारे में क्या आपने सोचा है. इफ द बैंक इज नॉट एबल टू कंट्रोल टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एनपीए इन इट्स पोर्टफोलियो इट्स बिजनेस विल बी एडवर्सली अफेक्टेड और नॉट. इसके आगे है कि फर्दर डिटोरिएशन ऑफ द बैंक एनपीए पोर्टफोलियो एंड इनएबिलिटी टू इम्प्रूव इट्स प्रोविजनिंग कवरेज एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए कुड एडवर्सली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द बैंक. प्राइस ऑफ द बैंक क्या होगा, एक जो शाखा है इसके बारे में यदि एनपीए मान लीजिए कि एक रीजन का बहुत ज्यादा हो गया, वेस्टर्न का हो गया, ईस्टर्न का हो गया, सेंट्रल का हो गया, तो इसके बारे में जब बढ़ेगा तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है. रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट्स दैट ऑल इंडियन बैंक्स इंक्रीज देयर प्रोविजनिंग कवरेज एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीएस कुड एडवर्सली अफेक्ट द बैंक्स बिजनेस और नॉट. एक भी मंत्री नहीं बैठा है कैबिनेट है. ये तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, एक कैबिनेट मंत्री ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है. हम इतना सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण विषय पर नहीं. जब तक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आएंगे मैं नहीं बोलूंगा. कोई कैबिनेट मिनिस्टर तो होना, जब तक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आएंगे मैं नहीं बोलूंगा. राज्यमंत्री हैं. नहीं, हम इतने सीरियस रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं. ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी है. सरकार इतना इम्पोर्टेंट बिल पर हमारे माननीय सांसद कैबिनेट मिनिस्टर रख रहे हैं. सरकार ये चर्चा करती है कि बहुत गंभीर है संसद के प्रति, लेकिन संसद के प्रति सरकार और जिस बिल को पास कराने के लिए, जिस रिफॉर्म्स के लिए वो इतने परेशान है, सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं. कोई कैबिनेट मिनिस्टर हम लोगों की सरकार थी नहीं रहते थे, ये लोग हल्ला कर देते थे. आज एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, चर्चा चल रही है इतने महत्वपूर्ण विषय पर. सरकार क्या रूलिंग पार्टी के लोग इतने गंभीर नहीं है, बैठे हैं पूरे उसमें नहीं, कोई नहीं है. रूलिंग पार्टी के लोग एकदम गंभीर नहीं है, कोई नहीं. बहुत महत्वपूर्ण विषय, इतनी तैयारी से कोई मेंबर बोल रहे हैं मैडम, पूरा तैयारी करके आए, कोई सुनने को तैयार नहीं. रूलिंग पार्टी के लोग कहते हैं संसद नहीं चल रही, संसद चलती है तो आप मंत्री लोग गायब हो जाते हैं. ये आ रहा है, चलिए ठीक है, एक ही आदमी बैठे, अब हम लोग को कोई नहीं बैठे, एक ही आदमी बैठे. प्लीज प्लीज प्लीज, कहते हो आगे हैं, आप शुरू करें. और वो बैंकिंग के संदर्भ में मिनिस्टर बैठे हैं, प्लीज प्लीज, आप अच्छी तरीके से बात रख रहे हैं. सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदया, सभापति महोदया, मैं माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय पवन बंसल साहब का जो है बहुत सम्मान करता हूं, और इनका बयान आज सुबह सुबह ही पढ़ा कि अपोजिशन जो है ये बिल पास कराने में इंटरेस्टेड नहीं है और हम किसी तरह से बिल पास कराएंगे. मैं इनको कह रहा हूं कि मैं बिल पास कराऊंगा, इनकी ट्रेजरी बेंच कहां है, इनको ध्यान देना चाहिए. जी ध्यान दे देंगे. रिस्क फैक्टर में मेरा जो अगला सवाल है कि दे बैंक में एक्सपीरियंस डिलेज इन इन्फोर्सिंग इस कोलेटरल व्हेन बोरोवर्स डिफॉल्ट ऑन देयर ऑब्लिगेशन टू द बैंक विच में रिजल्ट इन फेलियर टू रिकवर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी Exposing to a potential loss. ये collateral securities के बारे में SBI ने कोई चर्चा की है या नहीं की है, या सरकार ने चर्चा की है या नहीं की है. The Indian bank industry is very competitive and the bank's growth strategy depends on its ability to compete effectively. क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हम 2008-09 में 55वें नंबर पर थे, आज 100 से भी ज्यादा क्रॉस कर गए हैं, तो क्या ये कंपटीशन जो है वो हम इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको कर पा रही है. द बैंक इज सब्जेक्ट टू क्रेडिट मार्केट एंड लिक्विडिटी रिस्क विच मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इट्स क्रेडिट रेटिंग. कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में, क्रेडिट रेटिंग के बारे में क्या SBI ने कोई बात रखा है या सोचा है, सरकार के बारे में बात हुई है.
इसके बाद जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोन्स, सभापति महोदया जो सबसे बड़ा सवाल है आज के इस डिप्रिशिएशन में जो अमेरिका में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, कि द बैंक हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोन्स टू सर्टेन कस्टमर्स एंड टू सर्टेन सेक्टर्स एंड इफ ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ दिस लोन्स वेयर टू बिकम नॉन परफॉर्मिंग द क्वालिटी ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। और किसमें है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में है इनका ट्रेडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में है इनका, आयरन एंड स्टील में है, पेट्रोलियम में है और इंजीनियरिंग में है। और यदि इसमें से इनका हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इनका जो है लगभग आप समझिए कि 2633 बिलियन ये कॉन्सेंट्रेशन जो है इनका इसी में है और ये 48.4% है। इसके बारे में बैंक ने क्या सोचा है? ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द बैंक्स लोन्स हैव ए टेन्योर एक्सीडिंग वन ईयर एक्सपोजिंग द बैंक टू रिस्क एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक साइकिल एंड प्रोजेक्ट सक्सेस रेट। क्या इसके बारे में बैंक ने सोचा है कुछ? द बैंक्स फंडिंग इज प्राइमरली शॉर्ट टर्म एंड इफ डिपॉजिटर्स डू नॉट रोल ओवर डिपॉजिटेड फंड्स अपॉन मैच्योरिटी द बैंक्स बिजनेस कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड और नॉट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इसमें से शॉर्ट टर्म जो ज्यादा है यदि हम उनकी मैच्योरिटी सही समय पर नहीं दी तो क्या होगा, इसके बारे में बैंक ने सोचा है। द बैंक इज एक्सपोज टू फ्लक्चुएशन इन फॉरन एक्सचेंज रेट। जो अभी मार्केट की इकोनॉमी चल रही है जिस तरह से तेल के भी दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसके बारे में क्या है? दाम घटा भी नहीं रहे। इसके बारे में क्या है? ये आप दाम घटा रहे हैं कि नहीं घटा रहे हैं? आप जब दाम बढ़ाते हैं 10 रुपया ले रहे हैं। द बैंक मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये ब्लैक मनी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। द बैंक मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर इलीगल और इम्प्रॉपर एक्टिविटीज फुली ऑन ए टाइमली बेसिस विच कुड एक्सपोज इट टू द एडिशनल लाइबिलिटी एंड हार्म इट्स बिजनेस और रेपुटेशन। तो बैंक के पास जो है, क्योंकि अभी हमने आईपीएल की जांच की थी मैडम, और उसमें से अचानक जो है बिना आरबीआई के परमिशन के बाहर बैंक अकाउंट खुल गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एसबीआई ने क्या सोचा है? सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी ब्रीचेस कुड एडवर्सली इंपैक्ट द बैंक्स बिजनेस और नॉट। रेगुलेटरी चेंजेस इन इंडिया और अदर ज्यूरिस्डिक्शन इन विच द बैंक ऑपरेट्स कुड एडवर्सली अफेक्ट इट्स बिजनेस और नॉट। आप जो बाहर कर रहे हैं और रेगुलेटरी सिस्टम को, जैसे जब आपकी इच्छा होती है सीआरआर बढ़ाते हैं घटाते हैं, रेपो रेट बढ़ाते हैं घटाते हैं, बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं घटाते हैं, इसका क्या इंपैक्ट होगा इंटरनेशनल मार्केट में? आपका जो 150 ब्रांच है उसका क्या होगा? द बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एट द मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड बाय द आरबीआई फॉर डोमेस्टिक बैंक्स। देयर कैन बी नो इंश्योरेंस दैट द बैंक विल बी एबल टू एक्सेस कैपिटल एज एंड व्हेन इट्स नीड्स फॉर ग्रोथ। क्या बैंक को हम इस तरह से कोई पोटेंशियल देने वाले हैं, लिवरेज देने वाले हैं? एज द बैंक्स मेजोरिटी शेयर होल्डर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द बैंक एंड मे कॉज द बैंक टू टेक एक्शन विच आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक ऑफ द होल्डर्स ऑफ द बैंक। क्योंकि इतना जो आपने सरकार के ऊपर जो डिपेंडेबिलिटी दे दी है तो उसमें कितना अथॉरिटी आप बैंक को देने के लिए चाहते हैं, क्योंकि 59-60% जो है आपकी शेयर होल्डिंग है। इफ द बैंक डज नॉट इफेक्टिवली मैनेज इट्स फॉरन ऑपरेशन दीज ऑपरेशन में एनक्योर लॉसेस और अदरवाइज एडवर्सली अफेक्ट द बैंक बिजनेस एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, इसका क्या होगा? द बैंक मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी ऑन पेनेट्रेटिंग न्यू मार्केट्स। ये हमारा कंसर्न है कि हम जो नए मार्केट में जाना चाहते हैं, नई चीजों में जाना चाहते हैं, उसमें बैंक के पास कोई विजन नहीं है। इसके बारे में क्या है? इफ द बैंक इज नॉट एबल टू इंटीग्रेट एनी फ्यूचर एक्विजिशन द बैंक्स बिजनेस कुड बी डिसरप्टेड और नॉट। इफ द बैंक इज अनएबल टू अडेप्ट टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इट्स बिजनेस कुड सफर और नॉट। क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जो है साल साल दो दो साल में हो रही है, तो उसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ सोचा है या नहीं सोचा है? निशिकांत जी बस तुरंत मैं खत्म करता हूं। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। द बैंक्स रिम्यूनरेशन स्कीम मे नॉट बी एज अट्रैक्टिव एज अदर बैंक्स
with which it competes and may hurt the bank's ability to attract and maintain a skilled and committed workforce. क्योंकि लोग प्राइवेट बैंक की तरफ जाने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं, उनको लगता है कि सरकारी बैंक जो है इस तरह की सेवा देने में परेशान है, और जिस तरह की बात आपने सभा अक्षम है सभापति महोदया जो बात आपने कही उसमें है कि द बैंक में नॉट बी एबल टू प्रॉपरली मैनेज एंड ग्रेजुअली रिड्यूस इट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विच वुड निगेटिवली इम्पैक्ट इट्स बिजनेस. इसके आधार पर वो क्या कर रहे हैं कि पुराने जो स्टेट बैंक के एम्प्लॉय हैं उनको तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन ये सब्सिडरी को जो अपने साथ जोड़ रहे हैं उनको उसके आधार पर कर रहे हैं. तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, उस वर्क फोर्स के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बैंक के पास कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है, इसके बारे में बैंक क्या सोच रही है? इंक्रीज वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन ऑफ कमोडिटी प्राइसेस इन इंडिया कुड एडवर्सली अफेक्ट द बैंक्स बिजनेस. ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के कारण बैंक का बिजनेस जो डाउन होगा, इसके बारे में बैंक ने क्या सोचा है? एंड ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल कुड एडवर्सली अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी एंड द बैंक्स बिजनेस. कई एक चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा इस पर जाना नहीं चाहता मैडम, क्योंकि इस बिल को हम सपोर्ट कर रहे हैं. मेरा केवल यह कहना है कि एक गीता में एक श्लोक है कि समो दमस तपह शौचं शांति राजरमेव चौ ज्ञान विज्ञान अतिस्त्वायम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. जो हमको ये मौका मिला है, ये मौका मिला है अंतःकरण को शुद्ध करने का, इंद्रियों को ठीक करने का, धर्म को पालन करने का, बाहर भीतर शुद्ध करने का, आम गरीबों को जनता को साथ देने का, उनके लिए कुछ काम करने का. और जो हमारा परसेप्शन जा रहा है, जिसके आधार पर विरोध हो रहा है, जिसके आधार पर ये एम्प्लॉइज लोग विरोध कर रहे थे, वो एक रामायण की एक छोटी सी दो पंक्ति कहकर मैं खत्म करूंगा कि जब राम और लक्ष्मण सीता हरण के बाद एक तालाब के किनारे जाते हैं और वहां उनको दिखाई देता है बगुला, और बगुला बड़ा धीरे धीरे जो है तालाब में विचरण कर रहा है, तो राम अपने भाई से कहते हैं कि देखो ये कितना शुद्ध बगुला है कि ये चाहता है कि मेरे पैर से कोई जीव मर नहीं जाए, इसके लिए धीरे धीरे चलता है. तो जिस पहाड़ पर वो बैठे हुए थे, जिस पत्थर पर वो तालाब के किनारे, तो उधर से मेढक चिल्लाता है और मेढक कहता है कि आप बाहर से देख रहे हो, मैं उससे डर कर छुपा बैठा हूं, वो मुझे ढूंढ रहा है, मेरे पूरे परिवार का उसने खात्मा कर लिया है. तो इसीलिए जो परसेप्शन है वो परसेप्शन ये है कि आप किस चीज से उसको देखना चाहते हैं. परसेप्शन ये जा रहा है कि रिफॉर्म जो है गरीबी ला रहा है, भ्रष्टाचार ले आया है, ये रिफॉर्म जो है कि आम आदमी से जुड़ा हुआ नहीं है. इस परसेप्शन को खत्म करिए, हम आपका साथ देंगे. इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत. धन्यवाद, बहुत अच्छे पॉइंट रखे श्री के एस राव जी. थैंक यू मैडम चेयरपर्सन. एज फार एज दी